दोस्तों अगर आपके पास MPEG-2 सेटअप बॉक्स है या दोस्तों किसी और प्रकार का ऐसा सेटअप बॉक्स है जिसमें दोस्तों HDMI का पोर्ट नहीं है, तो दोस्तों आप अपनी LED TV में कैसे HDMI के थ्रू चलाएंगे, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि अब आपकी अगर TV HDMI वाली है, यानी कि ये जो TV है इसमें ऑडियो वीडियो केबल, ये वाला केबल नहीं लगता है, इसमें HDMI लगता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस सेटअप बॉक्स को, इस TV को चला के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस आ चुकी है जिसका नाम है दोस्तों मिनी ऑडियो वीडियो 2 HDMI। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया HDMI कन्वर्टर है, और उसके बाद से दोस्तों ऑडियो वीडियो को कन्वर्ट करके HDMI में ये दिखाता है। तो दोस्तों फटाफट हम अपने अंदाज में इसे अनबॉक्स कर देते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस बॉक्स में और कुछ नहीं है, एक आपको USB केबल मिल जाता है, इसे हम साइड में रखते हैं। बाकी दोस्तों ये रहा मिनी ऑडियो वीडियो 2 HDMI कन्वर्टर। तो दोस्तों इस कन्वर्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सेटअप बॉक्स हो या कोई गेम हो या अगर आपके पास कोई और डिवाइस हो जिस डिवाइस में ऑडियो वीडियो का पोर्ट ना हो, तो दोस्तों आप इसे खरीद सकते हैं, और इसका ये जो HDMI आउटपुट है इसे आप अपने TV में लगा सकते हैं LED में, और उसके बाद से आप ऑडियो वीडियो वाले सेटअप बॉक्स की जो पिन है वो आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इनपुट लिखा हुआ है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, यानी कि ये HDMI आउटपुट करेगा और ऑडियो वीडियो इन करेगा। वहीं पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्विच है दोस्तों 720p और 1080p, आप कौन सी पिक्चर रेजुलेशन में आप देखना चाहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अधिकतर लोग यानी कि 1080p ही बेहतर रहता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं, 720 पे पिक्चर थोड़ी सी फटने लगती है। ये जो है दोस्तों USB पावर है, आपको यहाँ पे जो ये केबल है इसको कनेक्ट करके आपको पावर देना होता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट अंदाज में हम आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और ये जो हमारे सेटअप बॉक्स से वायर आया हुआ है, इस वायर को दोस्तों हम यहाँ पे वीडियो वाले पोर्ट में वीडियो ऑडियो, और ये रहा दोस्तों ये हमारे पास ये कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों ये जो हमारा ऑडियो वीडियो जो HDMI का केबल है ये मैं अपने इसमें लगाऊंगा। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल के चार्जर में इसके USB केबल को लगा दिया है, क्योंकि मुझे इसमें पावर देना है, ठीक है, बिना पावर दिए हमारी TV नहीं प्ले होगी। और आप लोग यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ऑडियो वीडियो ये केबल है ऑडियो वीडियो का, इसमें लगा दिया है मैंने, और उसके बाद से जो ये HDMI है वो हमारी TV में जा रही है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ और इसमें मैं पावर लगा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें पावर लग चुका है, और आप लोगों को बस कुछ ही देर में नज़र आ जाएगा वहाँ पे TV पे, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी दोस्तों अगर आपको आपकी TV कुछ इस प्रकार की है जिसमें HDMI लगता है और आप ऑडियो वीडियो भी लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस डिवाइस को आप परचेज कर सकते हैं, बड़ी बेहतरीन ये डिवाइस है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे मेरा MPEG-2 सेटअप बॉक्स था इसमें HDMI का पोर्ट नहीं होता है, और मुझे अपनी LED में इसे चलाना था, यानी कंप्यूटर के मॉनिटर में चलाना था। तो दोस्तों ये देख सकते हैं HDMI हमारी यहाँ पे लग चुकी है, और ऑडियो वीडियो के लिए मैंने ये चीज़ लगाया है, ऑडियो वीडियो केबल इसमें लगाया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ऑडियो वीडियो में केबल यहाँ से निकालता हूँ, ये देखिए गायब हो गया। अब मैं ये देखिए नो सिग्नल आ रहा है उस पर, आप लोग ऊपर देख सकते हैं, और मैं इसे लगाता हूँ, ये देखिए लगाते ही भरे में दोस्तों आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हमने सप्लाई दी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको 1080p पे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ इसे, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए आप लोग 1080p पे ये चल रही है, और मैं इसे सबसे पहले मैं TV में दिखा दूँगा आपको, यहाँ पे आप लोग TV में देखिए, और मैं इसे अप करता हूँ 720 में, 720 पे दोस्तों जब ये पिक्चर चलेगी इस पर तभी इसमें कोई फ़र्क नज़र आएगा, वरना दोस्तों नहीं नज़र आएगा। ये देख सकते हैं मैंने फिर 1080p मैंने कर दिया, वैसे हल्का फुल्का आपको फ़र्क ज़रूर समझ में आ चुका होगा।
तो दोस्तों काफ़ी अच्छी ये डिवाइस है। अगर आपको ये डिवाइस परचेज करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन ये डिवाइस है दोस्तों। सब्सक्राइब करें साहिल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल का आइकन भी जरूर दबा दें।